अरे कुछ लोग हैं जो विरोधी हैं, उनकी मर्दानगी शायद ख़त्म हो गई है, वो एक महिला मिली है, महिला के सामने खड़ा करके उसके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं कि हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, क्यों मारेंगे भाई? इसका भी तो कोई वजह होना चाहिए। आप क्या हो? कोई स्टार प्रचारक हो अपने पार्टी के, कोई सेलिब्रिटी हो, फिल्मी स्टार हो, या कोई सांसद हो, या कोई विधायक हो, भाई क्या हो? आपके पीछे ऐसा कौन सा लेबल लगा हुआ जी? 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा है। वो 4 साल में क्या, वो 4 महीने में ऐसे विलुप्त हो जाएंगी कि उन कहीं दिखाई नहीं देंगी। और मैं तो यहाँ से चैलेंज करता हूँ कि कुछ लोग वापस हमारे ही पार्टी में आएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, वह दिन जरूर याद दिलाऊंगा जब कुछ लोग दूसरी पार्टियों में जो गए हैं वो छोड़ छोड़ करके वापस नहीं आए तो मुझे कहना। वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नाम का हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, जीवन भर पढ़ते रहें, कुछ नहीं कर पाएंगे। अपना व्यक्तिगत TRP पाने के लिए ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगा रही हैं, उनको यह इल्ज़ाम लगाने से पहले खुद के बारे में सोच लेना चाहिए कि ऐसे इल्ज़ाम लगाने से पहले सोच लेना चाहिए कि उनको जेल भी हो सकती है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि जब तक ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का नाम नहीं लेंगे, उनकी बुराई नहीं करेंगे, तब तक इनको इंसान क्या जानवर भी नहीं को पूछने वाला है। सीमा राजभर जी, सबसे पहले तो FIR आपके ऊपर होगा कि आपने सबसे पहले इसकी शुरुआत की है और आपने ही इल्ज़ाम लगाए हैं किसी भी भाई के ऊपर, किसी भी पदाधिकारी के ऊपर जो व्यक्तिगत इल्ज़ाम लगाए हैं आप, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ओम प्रकाश राजभर जी कहीं अगर BJP के साथ में वापस आ गए तो हमारा जो जनाधार है वह समाज के बीच से ख़त्म हो जाएगा। जो आज BJP के राज्यसभा सांसद हैं उनको खुद ही नहीं पता है कि हमारी पावर क्या, हमारी ताकत क्या है। संतोष जी, मैं आपको बता दूं, एक राज्यसभा सांसद की वह पावर होती है, अगर वह राज्यसभा सांसद में अपने समाज की अगर आवाज़ उठा देना तो वहाँ पर माननीय अध्यक्ष जी मजबूर हो जाएंगे उनकी बातों को सुनने के लिए, उनके बातों पर विचार करने के लिए, क्योंकि इतनी पावर उनके अंदर होती है कि वो अपने पावर का इस्तेमाल ही नहीं करना जानते हैं, उनको पता ही नहीं है। वो तो एक मूक दर्शक की तरह वहाँ राज्यसभा के अंदर बैठे हुए रहते हैं। आज तक हमने तो कभी देखा नहीं है, ना सुना है कि उन्होंने कभी भी समाज के लिए कोई आवाज़ उठाई हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजभाई प्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम हैं महाराष्ट्र में, जहां पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हैं श्री राजेश राजभर जी। तो आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की जो सावधान यात्रा UP से चलकर बिहार पटना में समाप्त हुई, तो इस सावधान यात्रा को लेकर कुछ लोग फ्लॉप बता रहे हैं इस कार्यक्रम को, इन सारी गतिविधियों के बारे में जानेंगे। राजेश राजभर जी जो कि महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हैं, साथ ही साथ महाराष्ट्र के प्रवक्ता भी हैं और तेज तरार नेताओं में से इनकी काउंटिंग होती है। तो आइए मिलते हैं राजेश राजभर जी से। सर, आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद संतोष जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे जो पटना में माननीय प्रकाश राजभर जी की सावधान यात्रा समाप्त हुई है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि फ्लॉप हुआ, इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? देखिए संतोष जी, सबसे पहले तो मैं आपके श्रोताओं को धन्यवाद देता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं अपनी तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से। दूसरी बात, आपने का एक सवाल किए हैं कि हमारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने एक सावधान यात्रा निकाली और उसका पटना में समापन हुआ, हमें तो गर्व होता है। और आपको भी मैं बता देना चाहता हूँ कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सारे पदाधिकारियों में यह एक खुशी का माहौल है कि हम उत्तर प्रदेश में अपना झंडा लहराते हुए बिहार तक का सफ़र तय कर रहे हैं और हमारी रैली बिहार में समापन होती है। तो जो कुछ लोग कह रहे हैं वो विरोधी हैं, उनका काम है कहना, उनको कहने दीजिए, और हमारा काम है आगे बढ़ते रहना और हम आगे बढ़ते रहेंगे। क्या आपसे मैं बता दूं कि वहाँ 50,000 की जनता इकट्ठा हुई थी, 50,000 जनता इकट्ठा हुई थी, क्या ये फ्लॉप का कारण बन सकती है ये रैली? ऐसा कुछ नहीं है, उन लोगों का काम ही कहना, विरोधी हैं तो विरोध तो करेंगे ही ना, उनका तो काम है हमारे नेताजी की बुराई करना। और जब तक हमारे नेताजी का मंत्र का जाप नहीं कर लेंगे, हमारे नेताजी के मंत्र का जाप नहीं कर लेंगे, तब तक वो कभी भी सफल नहीं हो सकते और कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। BJP के राज्यसभा सांसद अभी महाराष्ट्र में उनका दौरा था जी, कुछ दिन पहले आए हुए थे, उन्होंने ये बयान दिया है कि मेरे इशारे पे
बिहार पटना का जो रैली था ओम प्रकाश राजभर जी का, हमने फ्लॉप करा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे जो हमारे समाज से हैं वो सकल माननीय सकलदीप राजभर जी जो आज बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, उनको खुद ही नहीं पता है कि हमारी पावर क्या, हमारी ताकत क्या है। संतोष जी, मैं आपको बता दूं, एक राज्यसभा सांसद की वह पावर होती है, अगर वह राज्यसभा सांसद में अपने समाज की अगर आवाज़ उठा देना तो वहाँ पर माननीय अध्यक्ष जी मजबूर हो जाएंगे उनकी बातों को सुनने के लिए, उनके बातों पर विचार करने के लिए, क्योंकि इतनी पावर उनके अंदर होती है कि वो अपने पावर का इस्तेमाल ही नहीं करना जानते हैं, उनको पता ही नहीं है, वो तो एक मूक दर्शक की तरह वहाँ राज्यसभा के अंदर बैठे हुए रहते हैं। आज तक हमने तो कभी देखा नहीं है ना सुना है कि उन्होंने कभी भी समाज के लिए कोई आवाज़ उठाई हो। आज उनके ऊपर सवाल किया जा सकता है कि अब तक उन्होंने समाज का नेता होते हुए, एक राज्यसभा सांसद होते हुए, उन्होंने समाज के लिए क्या किया है, ये सवाल उनसे करना चाहिए, ये सवाल उनका जवाब उनको देना चाहिए, ना कि हम लोगों को। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बीजेपी से नज़दीकियाँ बढ़ रही है, लेकिन समाज के ही कुछ नेता है जो कि नज़दीकियाँ नहीं होने देना चाहते हैं, बीजेपी में आने देना नहीं चाहते हैं, इस पर क्या आपका राय है? देखिए संतोष जी, पार्टियां एक दूसरे के नज़दीक में आना जाना ये तो पार्टियों का काम है, राष्ट्रीय अध्यक्षों का काम है, वो तो एक दूसरे के नज़दीक में आते ही जाते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात ओम प्रकाश राजभर जी की बीजेपी के साथ में नज़दीकियां की, तो देखिए हमारे समाज के जो भी नेता हैं बीजेपी के, चाहे वो कैबिनेट मंत्री जी हों, चाहे वो राज्यसभा सांसद जी हों, इन लोगों की जो विचारधारा है ना एकदम निगेटिव है। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ओम प्रकाश राजभर जी कहीं अगर बीजेपी के साथ में वापस आ गए तो हमारा जो जनाधार है वह समाज के बीच से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो आज तक, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आज तक उन लोगों ने अपने आप को प्रूफ नहीं किए हैं। माननीय अनिल राजभर जी भी कैबिनेट मंत्री हैं आज उत्तर प्रदेश में, आज उनसे क्या उम्मीद कर रही है हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारी जो बिरादरी है, आज उनसे क्या अपेक्षा करती है, उसके ऊपर कहीं भी वो खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो उनको कहीं न कहीं ये डर है, क्योंकि अगर ओम प्रकाश राजभर जी अगर बीजेपी के करीब में आ गए या उनसे कहीं कोई तालमेल बन जाता है तो हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा, ये सोच इनकी है, इसलिए इनके अंदर कहीं न कहीं डर बना हुआ है, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के साथ में जुड़ सकें। हो सकता है कि इसका कहीं न कहीं वो लोग विरोध भी करते हों, और उन लोगों का तो काम ही है विरोध करना, लेकिन उनके विरोध करने से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देखिए ओम प्रकाश राजभर जी पूर्व में भी यह साबित कर चुके हैं, और जब ये कैबिनेट मंत्री थे तो उस समय इन लोगों का कोई वजूद नहीं था, ना तो अनिल राजभर जी का कोई वजूद था, ना तो सकलदीप राजभर जी का कोई वजूद था, उस समय बीजेपी में विजय राजभर जी विधायक थे, ना तो उनका कोई वजूद था, क्योंकि चारों तरफ सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सब जगह पर सिर्फ और सिर्फ ओम प्रकाश राजभर जी दिखाई दे रहे थे। तो इनको कहीं ना कहीं तो डर तो है ना, इसलिए तो ये चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर की नज़दीकियाँ बीजेपी के साथ में ना जुड़े और ना हो। दूसरी बात और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि देखिए बीजेपी आज अनिल राजभर जी को कैबिनेट मंत्री बनाई है, जो कि पूर्व में पहले माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री थे, उस जगह पर अनिल राजभर जी को जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पार्टी छोड़ दिए, जो पार्टी की जो प्रक्रिया थी इसके ऊपर बीजेपी ने कहीं ना कहीं इनकी अनसुनी की है, इस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी और अनिल राजभर जी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उस समय कम से कम उनका 2-2.5 साल का मैंने उनका कार्यकाल था, तो आज जब दोबारा सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं डर था, इस वजह से अनिल राजभर जी को वहाँ पर बीजेपी की सरकार में उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया, और समाज को एकत्रित करने के लिए बीजेपी ने जो चाल चली है समाज को इकट्ठा करने के लिए माननीय सकलदीप राजभर जी को सांसद, राज्यसभा सांसद बनाया है, ताकि ये राजभर समाज को रोक सकें कि ओम प्रकाश राजभर जी के साथ में ना जाएं। लेकिन ऐसा कुछ वक्त तक ही होगा, समाज जागरूक हो चुका है, आज समाज के लोग जवाब देने के लिए भी तैयार हैं, आने वाले समय में जो भी होगा वह समय बताएगा। अगला क्वेश्चन आपसे है, रामजीत राजभर जो कि मऊ से बिलोंग करते हैं और पार्टी में कार्यकर्ता रह चुके हैं, और आज वो पार्टी छोड़कर माननीय ओम प्रकाश राजभर का कंप्लेन कर रहे हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर हमको मारने की धमकी दे रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या विचार है? भाई क्यों मारेंगे उनको, क्या दुश्मनी है ओम प्रकाश राजभर जी की रामजीत से?
रामजीत राजभर जी क्या है क्या, अगर वो किसी पार्टी में गए हैं तो एक विरोधी के तौर पर विरोध करने का एक तरीका होता है, लेकिन इतना बड़ा इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं कि हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी, क्यों मारेंगे भाई, इसका भी तो कोई वजह होना चाहिए। आप क्या हो, कोई स्टार प्रचारक हो अपने पार्टी के, कोई सेलिब्रिटी हो, फिल्मी स्टार हो, या कोई सांसद हो, या कोई विधायक हो, भाई क्या हो, आपके पीछे ऐसा कौन सा लेबल लगा हुआ है कि जिससे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी डर जाएं और तुम्हें अपना व्यक्तिगत दुश्मन मान करके तुम्हें मारने की धमकी दें और मरवाने के लिए वो प्लान करें, ऐसा क्या रीज़न है। ये सब फालतू की टीआरपी पाने के लिए ये लोग अनाप शनाप कुछ भी बोल रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि जब तक ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का नाम नहीं लेंगे, उनकी बुराई नहीं करेंगे, तब तक इनको इंसान क्या जानवर भी नहीं को पूछने वाला है। तो ये वही चाह रहे हैं जो इनको चाहिए। ये तो खाली ओम प्रकाश राजभर जी का नाम ले लेकर के अपने आने वाले समय के जो रोजी रोजगार का सिस्टम होता वही तैयार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसे ना हमारे पार्टी से कोई लेना देना है, ना माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से कोई लेना देना है। हम कुछ नहीं मानते, कुछ नहीं समझते ऐसे व्यक्ति को जो ऐसी सोच रखता हो। सर, जानेंगे आपसे सीमा राजभर जी के बारे में, जो कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगा रही हैं, उनके ऊपर, उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? कौन सीमा राजभर? सोशल मीडिया पे भी मैंने भी देखा है बहुत सारे आरोप लग रहे हैं और उनके द्वारा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग ऐसी हरकत करते हैं, वैसी हरकत करते हैं। अच्छा, हाँ, अभी जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से पार्टी छोड़ करके क्या, उनको तो पार्टी से पहले ही निकाल दिया गया था उनकी कुछ गलत नीतियों की वजह से। कुछ गलत नीतियाँ थी उनकी जिससे पार्टी असहमत थी, इसलिए उनको पार्टी से निकाल दिया गया। और इल्ज़ाम देखिए, वो अपना व्यक्तिगत टीआरपी पाने के लिए ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगा रही हैं। उनको यह इल्ज़ाम लगाने से पहले खुद के बारे में सोच लेना चाहिए कि ऐसे इल्ज़ाम लगाने से पहले सोच लेना चाहिए कि उनको जेल भी हो सकती है अगर वह व्यक्तिगत तौर पर किसी भी व्यक्ति के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं। उनका आरोप है कि कुछ पदाधिकारी जैसे सुनील सिंह जी है, सुग्रीव राजभर जी हैं और माइकल राजभर जी, ये सभी कॉल करके उनको पर्सनली बुलाते हैं। संतोष जी, मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ, ये उनका टीआरपी पाने का एक तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या इस चीज़ को प्रमाणित कर सकते हैं कि सुनील सिंह हो या सुग्रीव राजभर जी हो, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको अकेले में मैसेज करके या कॉल करके वो बुलाते हैं? क्यों बुलाते हैं भाई, क्या हो आप, कोई सेलिब्रिटी हो जो आपको बुलाएंगे वो, हैं? और क्यों बुलाएंगे वो? दूसरी बात, मैं एक चीज़ कह देना चाहता हूँ कि अगर उनके पास वो बड़ी मर्दानी बनती फिर रही हैं कहते हुए कि मैं उनको जेल करवा, उन लोगों को जेल करवा दूँगी, मैं पार्टी को ख़त्म कर दूँगी, तो मैं उनको कहता हूँ कि उनके पास अगर कोई ऐसा प्रूफ है, ऐसा कोई प्रमाण है तो दिखाएं ना समाज को, जनता को, मालूम पड़ जाएगा कि क्या सच्चाई है। आप खाली ऐसे सोशल मीडिया पर कहते हुए फिर रही हैं, पहली बात तो आपको बात करने की तमीज़ नहीं है कि बात कैसे की जाती है। सोशल मीडिया पर मैंने देखा था उनको, सोशल मीडिया पर वो आकर के दुनिया भर की उलझुल बातें कर रही थी, फोकट का इल्ज़ाम एक दूसरे के ऊपर लगा रही थी। वो कहती हैं कि मैं इनके ऊपर मुकदमा कर दूँगी, मैं उनके ऊपर FIR कर दूँगी। सीमा राजभर जी, सबसे पहले तो FIR आपके ऊपर होगा कि आपने सबसे पहले इसकी शुरुआत की है और आपने ही इल्ज़ाम लगाए हैं किसी भी भाई के ऊपर, किसी भी पदाधिकारी के ऊपर जो व्यक्तिगत इल्ज़ाम लगाए हैं आप, ये सरासर गलत है। आपके पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को TRP पाने के लिए आप ऐसी हरकत कर रही हैं जिसका कोई मायने, कोई मुद्दा नहीं बनता है। आपको बहकाया गया है, आप किसी के बहकावे में आकर ये सब उलझुल बातें कर रही हैं और सोशल मीडिया पर आकर के आप गाली गलौज कर रही हैं, ये आपको शोभा नहीं देता है। आपको पहली बात यह सोच लेनी चाहिए कि आप हमारे समाज की बहन बेटी हो, हमारे समाज की बहन बेटी हो, इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि आप जो कर रही हैं ये गलत कर रही हैं। आप कह रही हैं पार्टी को हम ख़त्म कर देंगे, या पार्टी हमारी जो हमारे व्यक्तिगत लड़ाई हो गई है, ना कि यह पार्टी या राजनीति की हो गई है, तो आप पार्टी को ख़त्म करते करते खुद ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन कभी पार्टी ख़त्म नहीं होगी। सर, आपने बोला अभी थोड़े टाइम पहले कि कुछ लोगों के बहकावे में उन्होंने पार्टी छोड़ा, तो वो कौन लोग हैं? पार्टी उन्होंने छोड़ा नहीं, पार्टी ने उनकी गलत नीतियों से, जो पार्टी को पसंद है तो उनको पहले ही निकाल दिया था।
लेकिन उनके पीछे तो कुछ विरोधी थे, लगे हुए थे, मौके की तलाश में थे, उनको मौका मिला, इन्होंने अपने साथ में लिए इनको और इनको चढ़ा बढ़ा करके भड़काने का काम किए और आज वो इस आधार पर आकर लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने इस्तीफा, वो कहती है मैंने इस्तीफा दिया है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता क्योंकि उनको पार्टी से 2 महीना पहले ही निकाल दिया गया था और पार्टी में निकलने के बाद में उन्होंने अपने आप को कहा कि मैं पार्टी से इस्तीफा दे रही हूँ। इस्तीफा का एक लेटर हाथ में लेते हुए उन्होंने दिखाया सोशल मीडिया पर, 4 महिलाओं को लेकर के 40 की गिनती बता रही हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लो कितनी झूठी हैं और कितनी फेलियर हैं वो। तो उनकी बातों का कोई मायने नहीं होता है, कोई मायने नहीं रखता है, जो वो कहती हैं वो सत्य में कहीं देखा नहीं जाता है। सीमा राजभा जी का कहना है कि सुवर्ण भारतीय समाज पार्टी जो कि 20 साल में यहाँ तक इस मुकाम को हासिल की है, मैं मात्र 4 साल में उसको बर्बाद करके रख दूंगी। इस पे क्या बोलेंगे सर? देखिए संतोष जी, 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा है। वो 4 साल में क्या वो 4 महीने में ऐसे विलुप्त हो जाएंगी कि उन कहीं दिखाई नहीं देंगी? अरे कुछ लोग हैं जो विरोधी हैं, उनकी मर्दानगी शायद ख़त्म हो गई है। वो एक महिला मिली है, महिला के सामने खड़ा करके उसके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, उनको सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है ऐसा कहने के लिए, और ऐसा उनमें कुछ है नहीं। अगर उनमें इतनी पावर होती, ऐसा कुछ करने की क्षमता होती, ताकत होती, तो इतनी बड़ी पार्टी से जुड़ करके खुद को साबित कर लेती। खुद को ना साबित करते हुए वह झूठी TRP पाने के लिए ऐसी सब हरकतें कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको तो जन्म लग जाएंगे पार्टी को ख़त्म करने के लिए। संतोष जी, आखिर कौन वो लोग हैं जो उनके पीछे से? देखिए आज जो सुहेल दो भारतीय समाज पार्टी का जो जनाधार है जी, आपने देखा होगा जो सावधान यात्रा रैली में हज़ारों की नहीं लाखों की जो भीड़ इकट्ठा होती है और साथ में चल रही थी, हज़ारों गाड़ियाँ, सैकड़ों की बात नहीं, मैं हज़ारों गाड़ियाँ की बात कर रहा हूँ, कि पीछे पीछे लगी हुई रहती थी। जो इतना बड़ा जनाधार ओम प्रकाश राजभर जी ने तैयार किए थे, तो जाहिर सी बात है विरोधी देखेंगे तो देखकर उनको तो मिर्ची तो लगेगी ही ना। वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी कर करके, चाहे वो कहते हैं ना कि सारी कल बल छल जितनी उनके अंदर क्षमताएं रहेंगी वो सब ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर यूज़ करेंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी ऐसे व्यक्ति हैं कि उनके कान में जूं तक भी नहीं रेंगती है, उनको कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है ऐसे लोगों से, ऐसे विरोधियों से। एक नहीं पता नहीं कितनी पार्टियां बना लें, और जितनी भी पार्टियां बनी हैं वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नाम का हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, जीवन भर पढ़ते रहें, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आने वाला समय बता देगा कि कौन क्या है, कौन क्या है, ये सब खत्म हो जाएंगे। और मैं तो यहाँ से चैलेंज करता हूँ कि कुछ लोग वापस हमारे ही पार्टी में आएंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ वह दिन जरूर याद दिलाऊंगा जब कुछ लोग दूसरी पार्टियों में जो गए हैं वो छोड़ छोड़ करके वापस नहीं आए, तो मुझे कहना। तो क्या अगर जो लोग पार्टी छोड़ के जा चुके हैं वो अगर आएंगे तो आप उनका स्वागत करते हैं? जी जरूर स्वागत। देखिए राजनीति है, ये राजनीति में कुछ भी हो सकता है। राजनीति में देखिए भाई कैसा होता है, राजनीति एक ऐसा मुद्दा होता है कब इसमें क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है जी। हम उनका स्वागत जरूर करेंगे, और स्वागत है ऐसे लोगों का जो हमारे पार्टी में आना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों। और बहुत से लोग आ भी रहे हैं, अभी अभी देखिए एक मौलाना जी हमारे पार्टी में हम ज्वाइन किए हैं, वो कम से कम 200 से 250 कार्यकर्ताओं के साथ में वो हमारे पार्टी को ज्वाइन किए हैं। तो अदर समाज के लोग तो हाथों हाथ ले रहे हैं, हमारे समाज के कुछ लोग जो हैं जिनकी औकात नहीं है कुछ करने की, कुछ साबित करने की, वो विरोध ही कर सकते हैं। और विरोध करके देखिए ना, अपने आप को खुद ही साबित कर रहे हैं। अरे जहाँ जा रहे हैं वो अपने आप को साबित कर दें। देखिए सबसे पहली बात तो जितने भी लोग हैं गधों के जैसी बातें करते हैं, उनके बोलने का ढंग नहीं है, गाली बात से बात करते हैं, गाली गलौज से बात करते हैं। अभी जिन सीमा राजभर जी की बात कर रहे हो, उस दिन देखिए लाइव आकर क्या कौन से ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही थी जिसको कहना शायद मुनासिब नहीं होगा। उन्होंने तो अपने पति देव को भी सुना कि गंदी लैंग्वेज में भाषा में गाली दिया। हाँ देखिए संतोष जी, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, वो पति पत्नी का मामला, हम उस पर नहीं बात करना चाहते हैं। लेकिन अगर उनका पति ऐसा कुछ इल्ज़ाम लगाया होगा तो कुछ तो ज़रूर सत्यता होगी। रही बात हमारे समाज की, वो बहन बेटी हैं, हम सम्मान करते हैं,
हम उनके पर्सनल ज़िंदगी में नहीं जाना चाहते हैं कि क्या उनका पति कह रहा है उनके लिए, वो क्या कह रही हैं अपने पति के लिए, हम इस विषय पे नहीं कुछ कहना चाहते हैं। उसी से रिलेटेड एक और सवाल है, उन्होंने आरोप लगाया है महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए संतोष जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राधिका पटेल जी जो हमारे पार्टी से हैं, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर राजभर समाज के ऊपर जो गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। हालांकि उनको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो गलत है, चाहे वो किसी भी समाज का कोई भी नेता हो, किसी भी समाज के ऊपर ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो राधिका पटेल जी ने की हैं, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। और रही बात उनकी बातों में, देखिए संतोष जी, कहीं ना कहीं कुछ देखा जाए एक एंगल से तो कहीं ना कहीं सच्चाई भी लगती है, क्योंकि आज उन्होंने ऐसे समय में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि जिस समय माननीय ओम प्रकाश राजभर जी समाज के साथ साथ अदर समाज के लोगों को भी लेकर के चल रहे हैं और उनके हक हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे ही समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो रात दिन पानी पी पी करके माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की निंदा करते हैं और गाली गलौज करते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए माननीय राधिका जी जो हैं, उन्होंने भाई आवेश में आकर के हो सकता है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया हो जो कि कहीं ना कहीं सच्चाई भी है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे शब्दों की निंदा करता हूँ और ऐसे लोगों को भी मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोग भी, चाहे किसी भी समाज से आते हों, किसी भी समाज के ऊपर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो राजभर समाज के बारे में कहीं है माननीय राधिका जी, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। तो ये थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष और तेज तर्रार प्रवक्ता, और दिन रात पार्टी के लिए काम भी करते हैं और आए दिन सुर्खियों में कहीं ना कहीं आप देखते रहेंगे। तो इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि इन्होंने हमारे चैनल पे अपना कीमती समय दिया। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।